कालका शहर का नाम कालिका जी रखने को लेकर पिंजौर स्थित व्हाइट कैसल में पिंजौर कालका के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक विशेष बैठक की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने की। बैठक में पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव आरडी गौतम के निधन को लेकर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। संतराम शर्मा ने शहर के गणमान्य व्यक्तियों में पिंजौर व्हाइट हाउस के डायरेक्टर अंकुश शर्मा, पंडित राम प्रकाश शर्मा, परवीन आहूजा, राजेंद्र मेहता, नरेंद्र शर्मा, दिनेश वाल्मीकि, गुरमीत मित्ता, शेरचंद चावला व कालका से विजय कुमार, दर्शन गुप्ता, हरबिलास महेंद्र, अश्विनी गुप्ता सहित अन्य उपस्थित लोगों से विचार विमर्श करते हुए श्री महाकाली संघ कालका पिंजौर का गठन किया, जिसमें शहर का हर नागरिक सदस्य व सेवादार रहेगा। इस मौके पर संत शर्मा ने बताया कि शहर कालका का जो नाम है, एक प्राचीन काल में राक्षस के नाम से जाना जाता था, जबकि हमारे पुराने इतिहास में कालका क्षेत्र का नाम कालिका जी था और इस नाम का स्वरूप कालका कैसे बना विचारणीय विषय है। साधना करें, अपने पुत्र के वियोग में पिताजी का चले जाना भी हमने पिंजौर में देखा है, अभी बहुत ही दुख हुआ सारा कुछ सुनते। हम इनको यही आश्वासन दे सकते हैं कि कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम इनके साथ खड़े हैं। ये अपने आप को अकेला ना सोचें, सारी मार्केट गौतम जी के साथ है, दिल से साथ है। वो जिसको भी मिले हैं अपनी छाप छोड़ के गए हैं। पता नहीं ये अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार इसीलिए था कि उनकी उम्र ही इतनी थी, इतनी मेहनत। उनको देख के कई कई जो दुकानदार हैं, लोग हैं, मैंने सुना है उनसे कि वो उनको देख के सोचते थे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। अब भी मतलब जब भी आप उनसे बात कर लो, एक घंटे में वो बद्दी और एक घंटे में सोलन, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं, कभी कहीं। बड़ी मतलब जो आज उनका बिजनेस बुलंदियों पे है, ये गौतम की देन है परिवार को। तो मैं सभी अपने साथियों की ओर से और अपनी ओर से बेटे को ये आश्वासन दोबारा से देना चाहता हूँ कि भी उनकी कमी उनको हम खलने नहीं देंगे। कोई भी किसी तरह की भी सहायता की ज़रूरत हो तो सारे उनके लिए तैयार हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूर पार की रिश्तेदारी में और कोरोना से ही हुई है, लेकिन जो दुख गौतम जी का हमें और मेरी फैमिली को, और एक दिन घर में बच्चे भी बातें कर रहे थे कि भी आपके तो साथ खड़े रहते थे वो हर समय, तो बड़ा भारी दुख है। और मेरा कोई भाई या दुकानदार, उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। शर्मा ने इस मौके पर कहा कि अंबिका चंड चंडिका सब एके तुम आदि कालिका, और इस क्षेत्र का नाम कालिका जी रखने से क्षेत्र के विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी, जिसको लेकर कालका में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और जिसमें 2500 लोगों के हस्ताक्षर कर हरियाणा के मुख्यमंत्री को दस्ता सौंपते हुए कालका का नाम कालिका जी रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा। संतराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अन्य कई शहरों के नाम भी बदले गए हैं, तो हम सरकार के समक्ष कालका शहर का नाम कालिका जी रखने की मांग भी करेंगे। क्षेत्रवासियों के प्रयासों से यदि कालका शहर का नाम कालिका जी रखा जाएगा तो यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये कालिका जी हो जाएगा और हमारे मुख पे हमेशा कालिका जी आएगा, तो इससे दो काम हमारे होंगे। एक तो हमारे क्षेत्र में पॉजिटिव तरंगे आएंगी, जैसे हवन यज्ञ में आदमी नाम जपता है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग रोज कालिका जी कहेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा असर आगे के लिए पड़ेगा। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आपके साथ ये बात साझा करूं, अगर आप सब लोग इसमें सहायता करें, सहयोग करें, तो काम बन सकता है। क्योंकि हमारी सरकार ने काफी शहरों के नाम चेंज किए हैं,
और अब मुझे हौसला इसलिए हो रहा है कि पहले जो दो केस हमारे हुए हैं हमारी सरकार ने किए हैं कि ये भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने एक संघ बनाया है, मतलब श्री महाकाली सेवा संघ कालका पिंजौर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग उसमें मेंबर बने, अभी फिलहाल उसमें मेंबर ही बनेंगे सब। तो इस मुद्दे को हम उठाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उठाएं, और जहां जहां भी आप लोगों की ये आहुति है, जो भी इसके पक्ष में कहीं बात करेगा कि ये जरूर होना चाहिए, वो ये समझे कि वो यज्ञ में आहुति डालेगा। ये आज से हमारा जो है यज्ञ है और ये शुरू हो चुका है। जिसने भी बैठ के इस यज्ञ में आहुति डालनी है, उसका यहां तो नाम होगा, उसका परलोक में भी नाम होगा, ऊपर भी उसका हिसाब किताब जाएगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जितना भी जिससे हो सके वो मां के पास भी प्रार्थना करे कि मां आपके नाम पे होना चाहिए शहर का नाम, राक्षस के नाम पर नहीं होना चाहिए, काली माता जी के नाम पर होना चाहिए, कालिका। और जहां जिसकी जितनी भी अप्रोच है जानते हैं, आप सभी लोगों से, मैं यहां बैठे सभी मेरे पत्रकार भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूं कि पहले भी जितने काम बने हैं उसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो सिरे भी तभी चढ़ पाया जब इन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया और सरकार तक पहुंचाया। वो इस यज्ञ में अपनी आहुति और अपने सोर्सों से आहुति जरूर डालें। वो दिन दूर नहीं जब आने वाले नरातों से पहले पहले, मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले नराते जो अक्टूबर में आएंगे उससे पहले पहले हमारा ये काम बनना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर किसी भी मेरे भाई बहन को इसमें कोई सुझाव देना हो या कोई आपत्ति हो तो वो कृपया जरूर बताएं, वो हमें अच्छा लगेगा और हम उसमें सुधार भी करेंगे। देखो, सेवा करना हमारा परम धर्म है, वो किसी भी फील्ड में जाके आप कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक दायरा हो, चाहे वो भाई बहनों का, जनता का, कालका क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। ये उसी सिलसिले में काफी दिनों से, पहले भी मुद्दा एक बार आया था, 4-5 साल पहले हमने लिख के दिया था। आप सभी लोग भली भांति इस बात को समझते हैं कि उच्चारण में ही सब कुछ है, सही उच्चारण में। अगर हम किसी का नाम गलत लें, मात्रा का ही फर्क होता है और उसके भाव चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो शहर है कालका, कालका, अगर आप इसको अलग अलग पढ़ें, काल का, तो ये काल का शहर जो है, काल का मतलब सभी समझते हैं। काल का एक राक्षस का नाम भी हुआ है जिसका वध मां कालिका ने किया था। ये नहीं पता कि इसका नाम पहले तो कालिका था, ऐसा हमें हमारे गुरुओं ने बताया है कि कालिका ही इसका नाम था पहले। ये कब चेंज हुआ है, ये मुगल टाइम में हुआ है या अंग्रेजों के टाइम में हुआ है, ये हमारी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है कि जो हमारे माता कालिका जी शहर का नाम है उसको बिगाड़ दिया है, और हजारों लोग रोज एक राक्षस का नाम उच्चारण करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज कालका से गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं हमारे साथ, पंजौर के गणमान्य व्यक्ति हैं। हम सभी ने बैठ के ये सलाह की है, मशवरा किया इनके साथ, और सभी ने सहमति दी है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक यज्ञ के समान है, इसमें आहुति डालनी चाहिए। और सरकार से हमारी प्रार्थना रहेगी कि हम जो है इसको कालिका जी करा के रहें, ताकि भविष्य में जितना भी इसका उच्चारण किया जाए वो मां कालिका जी के नाम का होगा।
माँ कालिका जी के मंत्र का होगा, और हमारे सनातन धर्म में मंत्रों की व्याख्या जो की गई है उसका जो फल है वो मिलता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कालिका का नाम अगर कालिका जी हो जाएगा तो एक साल के अंदर अंदर मेरा कालिका क्षेत्र हरियाणा में जो नंबर वन गिनती में आता है वो होगा भी नंबर वन। तभी यहां डेवलपमेंट होगी, तभी यहां राजनीतिक बातें शिथिर होंगी, तभी यहां के बच्चे नौकरी लगेंगे, तभी यहां डेवलपमेंट होगी, तभी यहां जो है फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। फिर अगर ये कालिका जी, माँ कालिका जी के नाम पे हो जाएगा नाम, सरकार करेगी हमारी। और ये मुगलों ने हमारे साथ ऐसा किया, अंग्रेजों ने, तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इसको चेंज करा जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो, इससे बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। नहीं, जो गुरुद्वारे के प्रधान होते हैं, मंदिरों के प्रधान है, वो भी प्रतिनिधि होते हैं। देखो, सेवा करना जो है हमारा, मैंने पहले कहा कि परम धर्म है, और सेवा करके भी आदमी जो है अपना मकसद पूरा कर सकता है। हर एक आदमी का अपने जीवन का एक खास महत्व होता है, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, समाज में हो, शहर में हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि भी हमें जिस लायक हम हैं, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे पास साधन है, वो अपने परिवार के बाद समाज के भी काम आने चाहिए। और मैं उसी सिलसिले में आगे बढ़ा हुआ हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य होगा तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा।